अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज व ईमान में रखे। और कैसे हैं सब लोग? आज हम आपको मारू की रेसिपी बनाना सिखाएंगे। ये इसको चप्पन ठंडे भी कहते हैं और मारू भी कहते हैं। ये 2 किलो मारू लिए मैंने और इसको मैं ज़रा छील लूँगी और छील के कटिंग करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये इसको सारी ऐसे कटिंग करना है, ऐसे ऐसे कटिंग करके, और फिर इसको ना तुरैया जैसे काटते हैं वैसे तुरैयों की तरह कट करना है। तो मैं सारे मारू छील के कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। टिंडे मैंने कटिंग कर ली और इनको वॉश कर लिया, काट के इनको धो लिया। और उसके बाद हम इसमें 2 अदद प्याज डालेंगे, एक बड़ी एक छोटी है, और 3 जवे लहसुन के, और ये 6-7 टमाटर, और ये 4-5 हरी मिर्चें, और इसमें ये मसाले जाएंगे, नमक, मिर्चें और हल्दी। पिसावा धनिया ख़त्म हो गया तो फिर अभी मुझे पीसना पड़ेगा तभी, इसलिए बस हम ये 3 चीज़ें ही डालेंगे। इतना अच्छा बनता है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है, सब खाएंगे। आप वो एक दफ़ा बनाएंगे खिलाएंगे तो बार बार फरमाइश करेंगे इसको खाने की। तो अभी मैं ये सब चीज़ कटिंग कर लूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ। प्याज, लहसुन वगैरह, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह सब कट कर लिया। अब चलिए पतीले में तेल डालते हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाने का। तो 1 पाव के करीब हम तेल डालेंगे इसमें, और इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। जैसे थोड़ी प्याज ब्राउन होगी तो फिर मसाले हम डालेंगे इसमें, शामिल करेंगे। तो मैंने प्याज डाल दिए, और आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये आप रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसे बने आपके ये मारू चप्पन टिंडे। चप्पन टिंडे की सब्ज़ी सर्दी के दिन है, सर्दी के दिनों में ये सब्ज़ियाँ तो फ्रेश फ्रेश बहुत ज़्यादा आती हैं, अच्छी फ्रेश सब्ज़ी है। तो आप खिलाइएगा, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ खिलाया करें। आजकल तो देख रहे हैं चिकन में भी बहुत बीमारियाँ आ रही हैं, हर चीज़ खाने के लिए, बड़े के गोश्त में भी देखें बीमारी है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेश सब्ज़ी ताज़ी पकाएँ, ताज़ी खिलाएँ बच्चों को, और ये भी बनाइएगा ज़रूर और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्याज ना लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे जो हमने कट किया। अब इसी के साथ हम हरी मिर्चें भी ये 3-4 डाल देंगे। इसी के साथ हमने जो ये लहसुन किए थे पीसे थे ये भी डाल देंगे, और इसके साथ ही हम मिर्च, नमक, हल्दी भी डाल देंगे। सब कुछ शामिल कर देंगे और थोड़ा सा मसाला डाल देंगे, फिर इसमें मारी शामिल कर देंगे। हल्का सा इसमें पानी भी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। ये देखिए अब ये थोड़ा सा भूनते रहेंगे। सर्दी का सीज़न है तो बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, तो बहुत एहतियात करिएगा अपना, अपने बच्चों का। मेरी बेटी की जिसकी तबीयत ख़राब थी, जो मेरी वीडियो बनाती है, 2 दिन से वो बहुत बुखार में थी, इसी यही वजह है। पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, अब बेटी की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए वीडियो प्रॉपर नहीं आ पा रही। मगर इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं रोज़ाना डेली रेसिपी डाला करूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, मुझे सेहत, मेरे घर में भी सकून, अमन, सेहत सबको दे, आमीन। मसाला भूनते हुए, और ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए, बस हमें इतने ही सॉफ्ट कर दें। अब हम इसमें सब्ज़ी डाल देंगे, सब्ज़ी के साथ ही पानी मत शामिल कीजिएगा। पानी इसी के अंदर मारू में खुद बहुत ज़्यादा होता है, चप्पन डिंडों में इसी के पानी में ये तैयार हो जाएंगी। तो ये हल्की आग पे रख देंगे, थोड़े से ये हल्की हल्की आग पे पकेंगी, जब ये गल जाएंगे तो फिर हम आपको दिखा देंगे। ये थोड़ा सा हम मसाले में चलाएँगे और बस इसको हल्की आग करके रख देंगे जब तक ये गल जाए। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी के पानी में पकेंगे। ये देखिए मैंने डिश आउट कर ली है मारू, इसको चप्पन टिंडे भी बोलते हैं, इसकी सब्ज़ी। बनाइएगा, खिलाइएगा अपनी फैमिली को और दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा लाइक। पसंद आए तो अपनी फैमिली को ज़रूर बना के खिलाइएगा। कल मिलेंगे नई।